का जर्सी नंबर 11 कप्तान की ओर से टैकल किया गया है परेरा की ओर से। बहुत ही बढ़िया मुकाबला, यह रेड काफी अच्छा निकला क्योंकि अगर थोड़ा और समय मिलता रेडर को तो काफी रेड टाइम चुरा लेती, लेकिन परेरा की डिफेंडर हाजिर है इन पर और अगला रेड पहला रेड लेकर परेरा की ओर से परेरा की रेडर और इन्हें भी टैकल कर लिया गया है। तो पहले दोनों रेड में आपको देखने को मिला कि दोनों रेडर असफल रहे और डिफेंडर हाजिर है। अगली रेड लेकर गेम वेल टीम से जर्सी नंबर 4 और फिर से इन्हें भी टैकल कर लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि लगातार तीन रेड में तीनों रेड पॉइंट लेकर आई है दोनों टीमों ने। कोई भी रेड एम्प्टी नहीं जा रहा है, खाली नहीं जा रहा है। फिर से अगला रेड लेकर परेरा की टीम की ओर से 6 विकेट की खिलाड़ी जर्सी नंबर 15 पहला रेड पॉइंट परेरा की टीम को मिला है। तो आपने रेड पॉइंट भी देख लिया, नेक्स्ट चेक किया जाए, ये जरूरी है। टाइम आउट देखे कितना स्कोर हुआ, परेरा 3 देवघर 1 और टेस्ट करने की कोशिश देखना होगा क्या आता है डिसीजन। और ये डिफेंस सफल रहा, वहीं देवघर की टीम में 4 खिलाड़ी बची हुई हैं। अभी तक खेल के शुरुआत में परेरा की टीम काफी आगे बढ़ रही है, लेकिन काफी सेफ रेड कर रही है इस रेड में क्योंकि उनको पता है कि उनकी टीम आगे बढ़ चुकी है, इसलिए उन्हें खेल को चलाना है। लेकिन देवघर की खिलाड़ी ये जानती है कि मैच में ज्यादा पीछे होने से फिर पीछे ही रह जाएंगे, इसलिए शुरुआती दौर में मैच को बराबर बराबरी पर लाने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच तो टैकल कर लिया गया है परेरा की टीम, तो यहाँ पर देवघर की टीम को 2 पॉइंट मिलेगा, देखना होगा। काफी सेफ जा रही हैं, उनको पता है भी खेलने के लिए आने देना है इनको। और ये हैंड टच का कोशिश लेकिन असफल रहे, ओ लग गया लग गया, ये स्पोर्टिंग स्प्रिट उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया और 1 पॉइंट मिल गया। और ये टैकल कर लिए गए हैं, वापसी करती है या परेरा यही से ज्यादा हावी हो गेम को एक तरफा ले जाती है क्योंकि तीनों मैच अभी तक एक तरफा गया है। तो ये पहला ऑल आउट है देवघर को, यहां से अगर वापसी करते हैं तो खेल में मजा जरूर आएगा, लेकिन परेरा की टीम काफी स्ट्रांग दिख रही है। और यहां से फिर से एक बार टैकल करने की कोशिश है, टैकल कर ली गई है कैप्टन परेरा की ओर से 6 विकेट की ये खिलाड़ी काफी फुर्ती से रेड कर रही है, किक हैंड टच टो टच हर चीज को ट्राई कर रही है और सक्षम लग रही है हर चीजों में। इनकी खेल को देखकर लग रहा है कि प्रैक्टिस काफी अच्छा है इनका। स्कोर 11-1 10 अंकों से बहुत बनाई हुई है परेरा की टीम। देवघर की टीम के वापसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, वापसी यहां से ढूंढती नजर आएगी देवघर की टीम। वहीं परेरा की टीम जो बढ़त बनाई है उसको दुगने तिगने में ले जाने की कोशिश करेगी। तो देखना होगा इस फर्स्ट हाफ में क्या रोमांच रहता है। अभी तक तो काफी अच्छा खेल चल रहा है एक तरीके से, भले ही देवघर की वुमेन्स टीम पीछे चल रही है लेकिन उत्साह उनका भी काफी अच्छा है। और ये टैकल करने की कोशिश, और ये टैकल कर ली गई है, काफी अच्छा टैकल। एक का जो ये स्टॉप था वो खुल चुका है, अब देखना होगा कि ये आगे कंटिन्यू करती है या इनके वुमेन्स टीम के मेन्स टीम के तरह इनको वापसी नहीं करने दिया जाएगा अगली टीम से। इनकी कैप्टन जर्सी नंबर 11 अभिनव लेके आ चुकी हैं, जो कि लगातार रेड कर रही थी
और काफी अच्छी प्लेयर खेलने से दिख रही है कि वो काफी अच्छी प्लेयर काफी अच्छा था प्लेयर से और वापसी का ऐलान कर दिया। लास्ट 3 मिनट है और इस 3 मिनट को थर्ड रेड, माफ कीजिएगा मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत हो गई, वो थर्ड रेड था, डी और डाई वाला ऐसा कुछ बता रहे थे, इसलिए तभी बाकी है फास्ट हाफ का खेल, तो इसको आप लोग अनदेखा कीजिएगा क्योंकि सारा कभी कभी समझ नहीं आता है। चलिए अगला रेड लेकर परेरा की ओर से जर्सी नंबर 7 डी और डाई, ये देवघर की ओर से पहला डी और डाई रेड है, जर्सी नंबर 9 लेकर चली अपनी टीम की आशाओं को भी इसके साथ साथ कि यहां से और मैच होगी या और नीचे जाएगी, ये देखना होगा इस रेड में क्योंकि डी और डाई है, आपको समय भी बताया जाएगा आखिरी 10 सेकंड इस रेड में, लास्ट 10 सेकंड और रेडर सेल्फ शायद आपको समझ नहीं आया। और अगली रेड लेकर परेरा की ओर से जर्सी नंबर 11 और टैकल करने की कोशिश और यह इसी के साथ काफी रेडर को सुपर डुपर रेडियो बना चुकी है और इसी के साथ परेरा का 4 रेड पॉइंट मिला है उनको, तो वो सुपर डुपर रेड था और स्कोर काफी बढ़ गया है, 16 का फासला हो गया है। और अगली रेड लेकर परेरा की ये चोटी कप की खिलाड़ी और ये टैकल कर लिया गया है, 1 पॉइंट मिल गया इनको, रिसीव है परेरा की टीम की ओर, उनको 10 अंकों का गलत है परेरा टीम को, इस बढ़त को कम करना चाहेगी देवघर की टीम, वही परेरा की ये तगड़ी डिफेंडर और रेडर इसको बढ़ाना चाहेंगी, तो देखते हैं कि ये फर्स्ट हाफ के अब कुछ मिनटों के खेल में कौन हावी होता है। और देवघर की कप्तान जर्सी नंबर 11 अपने टीम को वापसी कराने के लिए आ चुकी है रेड लेकर, 4 खिलाड़ियां हैं परेरा की टीम की कोर्ट में, देखना होगा कि कप्तान कुछ कर पाती है यही रेड एमटी चला जाता है और ये टैकल कर लिया गया, आप थोड़ी देर के लिए भी खड़ी कसर नहीं छोड़ेंगी और जिस तरीके से अभी टैकल किया उनको फिर से और ये एडवांस टैकल करने की कोशिश, चैन छुड़ाने की कोशिश थी उनकी कि वो एंकल होल्ड कर थाई होल्ड करती चैन छुड़ाकर, लेकिन दूसरे खिलाड़ी से चैन ही नहीं छूट पाया, कबड्डी के खेल में चैन बड़े सॉफ्ट हैंड से बनाया जाता है, ये कोच ट्रेंड करते हैं। फर्स्ट हाफ में लास्ट 1 मिनट का खेल बाकी रह गया है और बेस्ट करने की कोशिश रेडर आउट 1 पॉइंट परेरा, चैन काफी सॉफ्ट हैंड से बनाते हैं दोनों खिलाड़ी ताकि जिनका भी मन हो वो चैन खुल सके 1 मिनट में, अब फिर से सुपर टैकल ऑन, लेकिन परेरा की टीम काफी मजबूत दिख रही है और स्कोर आ पहुंचा है 20-6 और अगर ये ऑल आउट हो जाती है तो इस हाफ टाइम में काफी ज्यादा बढ़त लेकर परेरा जाएंगी अपने खेमे में। आखिरी रेड लेकर देवघर की ओर से जर्सी नंबर 11 मशक्कत करती हुई अपनी टीम को वापसी के लिए, लेकिन और इन्हें अंकल होल्ड पर टैकल कर लिया गया है और इसी के साथ